रोहन और चेतन मयंक का पीछा करते हुए पठान के नाइट क्लब गए थे, लेकिन गुंडों ने उन्हें देख लिया और उन्हें मारने दौड़े। ये देखकर रोहन और चेतन फौरन वहां से भागे। वो चाहते तो उन गुंडों से वही फाइट करके उन्हें ढेर कर सकते थे, लेकिन किस्मत से गुंडों या मयंक में से किसी ने भी अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा था, और रोहन नहीं चाहता था कि मयंक को इस बात की भनक लगे कि वो उस पर नजर रख रहा है। ऐसे में रोहन और चेतन ने जेब से रुमाल निकाला और वो दोनों अपना फेस कवर करके नाइट क्लब से बाहर आ गए। उन्हें फॉलो करते हुए गुंडे भी क्लब से बाहर आ गए। फिर रोहन और चेतन कार में बैठे और गाड़ी फुल स्पीड से बढ़ा दी। ये देखकर पठान के गुंडे भी कार लेकर उनका पीछा करने लगे। हमें इनसे जल्दी पीछा छुड़ाना होगा, रोहन कार ड्राइव कर रहे चेतन से बोला। चेतन ने हां में अपनी गर्दन हिलाई और उसने कार की स्पीड और तेज कर दी। उधर पीछे आ रहे गुंडों ने भी अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दी। तभी रोहन ने अपनी गन निकाली और गुंडों की कार के टायर पर निशाना लगा दिया। इससे कार का टायर फट गया और गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराकर रुक गई। इधर चेतन फौरन तेजी से कार आगे बढ़ाकर उन गुंडों की नजरों से ओझल हो गया। फिर चेतन और रोहन वापस आहूजा कॉरपोरेशन आ गए। यहां दोनों हितेश से मिले और उसे सारा किस्सा बता दिया। अब तो हम 100% श्योर हैं कि मयंक रिया को मारना चाहता है, क्यों ना उसके पहले हम ही उसका गेम बजा दें, चेतन बोला। इस पर रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, नहीं, पहले हमें यह पता करना होगा कि वो लंबे बालों वाला शख्स कौन था और वो किस बॉस की बात कर रहा था जिसे परमिशन मिलने के बाद ही वो मयंक की रिया को मरवाने में हेल्प करेगा। इस पर चेतन ने रोहन की बात से अग्री करते हुए हां में अपनी गर्दन हिला दी। तभी हितेश बोला, लेकिन क्या हम मयंक को धमका भी नहीं सकते कि वो रिया से दूर रहे और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए? इस पर रोहन बोला, नहीं, अगर हमने मयंक से डायरेक्ट कुछ कहा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे पता चल जाएगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, फिर वो और सतर्क हो जाएगा और हम उस बॉस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जो कि मेरे ख्याल से इस गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली है। फिर हम क्या करेंगे, हितेश ने पूछा। इस पर रोहन बोला, हमें फिलहाल पहले से और चौकन्ना रहना होगा। हम मयंक पर अब भी नजर रखेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि अब वो भी सतर्क हो गया होगा और हमें रिया की प्रोटेक्शन और बढ़ानी होगी। रोहन ने अपनी बात हितेश और चेतन को अच्छे से समझा दी और वो फिर रिया के कैबिन में चला गया, जहां काम कर रही रिया ने रोहन को देखकर कहा, रोहन, कहां चले जाते हो तुम? मैंने सोचा था आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट है तो दिन में हम एटलीस्ट कुछ समय साथ रहेंगे, लेकिन तुम दिन में भी गायब हो गए। क्या करूं, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, रोहन रिया के पास आकर बोला। तुम और तुम्हारे जरूरी काम कभी खत्म ही नहीं होते, रिया भौहें उचकाते हुए बोली। तभी रोहन रिया के पास रखी चेयर पर बैठकर बोला, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर रिया अपना काम छोड़कर थोड़ी सीरियस हो गई और रोहन की ओर देखकर बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ? इस पर रोहन बोला, ये जो मयंक है इसके इरादे ठीक नहीं है। हाँ मैं जानती हूं, उसकी नजर पापा की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर है, रिया बीच में बोली। इस पर रोहन बोला, हाँ लेकिन बात कुछ और भी है। इस पर रिया सीरियस हो गई और बोली, क्या हुआ रोहन, तुम इस बात को इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, सीधे पॉइंट पर आओ ना। इस पर रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, आई थिंक मयंक तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोली, क्या क्या वो सच में इतना नीचे गिर सकता है? इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर रिया टेंशन में आ गई और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसे कैसे मारेगा वो मुझे, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूं। इतना कहकर रिया गुस्से में चेयर से खड़ी हो गई और जाने लगी। तभी रोहन ने रिया का हाथ पकड़ लिया और वो उसे रोकते हुए बोला, नहीं अभी तुम उसे ये शो मत करना कि तुम उसके इरादे जानती हो। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो गई और बोली, ऐसा क्यों,
जवाब में रोहन बोला, क्योंकि मयंक तुम्हें मरवाने के लिए किसी बड़े आदमी की हेल्प ले रहा है, लेकिन ये बड़ा आदमी कौन है फिलहाल मैं नहीं जानता। जब तक मैं इस बड़े आदमी तक पहुंच नहीं जाऊं, तुम मयंक से कुछ मत कहना। यह सुनकर रिया वापस अपनी चेयर पर बैठ गई, फिर टेंशन और कंफ्यूजन के साथ बोली, लेकिन यदि उसने मुझे कुछ कर दिया तो? इस पर रोहन बोला, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यदि उसने करना होता तो पहले ही कर देता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो किसी और की हेल्प ले रहा है। मैं तुम्हें ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम मयंक से थोड़ा सतर्क रहना, उससे जितना हो सके दूर रहना। सबके सामने तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन पीठ पीछे उसका कोई भरोसा नहीं है। अब रिया को रोहन की सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। ठीक है, अब मयंक जब भी ऑफिस में होगा मैं उसे इतना सारा काम दे दूंगी कि उसके पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। रिया की यह बात सुनकर रोहन बोला, गुड, रही बात घर की तो मैं वहां और सीसीटीवी कैमरा बढ़वा दूंगा। इस तरह बंगले की सिक्योरिटी टीम उस पर 24 घंटे नजर रख पाएगी और मैं भी अपने मोबाइल में जब चाहूं से देख सकूंगा। रोहन की इस बात पर रिया ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो रोहन की ओर शरारती नजरों से देखते हुए बोली, क्या सीसीटीवी से तुम मुझ पर भी नजर रखोगे? इस पर रोहन बोला, हां, तुम्हारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सुनकर रिया बोली, सिर्फ सेफ्टी के लिए? अगर नाइट क्लब में तुम्हें मेरी याद आए तो अपने मोबाइल से मुझे देख लेना, मैं रोज सीसीटीवी कैमरे में देखकर तुम्हें हाई करूंगी, ओके? रोहन को समझ में नहीं आया कि वो इस पर क्या कहे, तो उसने बस हां में अपनी गर्दन हिला दी और बोला, ठीक है, अब मेरी नाइट क्लब की रात की शिफ्ट का टाइम हो गया है, मैं चलता हूं, हितेश और चेतन तुम्हें घर छोड़ देंगे। इतना कहकर रोहन रिया के कैबिन से जाने लगा। रोहन गेट तक पहुंचा ही था कि तभी रिया रोहन को रोकते हुए बोली, अच्छा सुनो। क्या? रोहन ने पलटकर पूछा। इस पर रिया ने रोहन को कुछ सेकंड्स के लिए प्यार से देखा और फिर बोली, कुछ नहीं, जाओ, अपना ख्याल रखना। रोहन को लेकर रिया के दिल में कुछ तो चल रहा था, लेकिन इस बार भी उसकी बात दिल से जुबान तक नहीं आ पाई। रिया को बाय बोलने के बाद रोहन सीधा अल्फा लाइफ नाइट क्लब आ गया। अभी तक शुरुआत के दो दिन उसने सिर्फ डे शिफ्ट में काम किया था, लेकिन नाइट शिफ्ट में उसका ये पहला दिन था। नाइट क्लब की असली रौनक रात में ही रहती है। इस समय नाइट क्लब खचाखच भीड़ से भरा होता है। कोई यहां ड्रिंक करने आता है, कोई डिनर करने, तो कोई डांस और मस्ती में चूर होकर अपने सारे गम भूलने। अल्फा लाइफ नाइट क्लब की रात भी कुछ ऐसी ही थी। खासकर यहां का डांसिंग फ्लोर सबसे ज्यादा एक्टिव था। यहां शहर के बड़े बड़े लोग आकर नाच गाना करते थे। रोहन को भी इसी फ्लोर पर सर्विस देने के लिए लगा दिया गया था। रोहन अपने काम में बिजी था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और कहा, ए सुनो, जाओ हमारे लिए और ड्रिंक्स लेकर आओ। जब रोहन पलटा तो उसने देखा कि ये किंजल कपूर थी, जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक एंड डांस कर रही थी। उधर किंजल को भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस शख्स को ड्रिंक लाने के लिए कहा वो रोहन है। तुम यहां इस वक्त? किंजल ने आश्चर्य से रोहन से पूछा। हां, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, रोहन ने जवाब दिया। गुड, तो जाओ मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। इतना कहकर किंजल दोस्तों के साथ डांस करते हुए इंजॉय करने लगी। उधर रोहन ड्रिंक लेने चला गया। कुछ देर बाद रोहन ड्रिंक लेकर डांस कर रही किंजल के पास आया, जिसे देखकर किंजल बोली, आ गए तुम, वो भी सही सलामत। मुझे लगा मेरी कार की हेडलाइट और ध्रुव का सिर फोड़ने के बाद आज भी कुछ तोड़ फोड़ करोगे तुम। ये सुनकर रोहन थोड़ा नर्वस हो गया। तभी किंजल हंसते हुए बोली, अरे रिलैक्स, जोक था ये, हंसो हंसो। किंजल के जोर देने पर रोहन ने फेक स्माइल कर दी। ये हुई ना बात, किंजल बोली, और फिर वो हंसते हुए दोस्तों के साथ फुल मस्ती में ड्रिंक और डांस करने लगी।
किंजल का ये बर्ताव देखकर रोहन भी समझ गया कि उसे थोड़ी चढ़ गई है। फिर अगले 2 घंटे में किंजल ने कई बार रोहन से ड्रिंक मंगवाई और अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर मस्ती करती रही, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और वो नशे में इधर उधर डोल रही थी। रोहन उससे कहना तो चाहता था कि आपको अब और नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो किंजल के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका था। तभी किंजल ने एक बार फिर रोहन को ड्रिंक लाने के लिए कहा। रोहन का मन तो नहीं था, लेकिन किंजल को वो ना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ड्रिंक लेने जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि डांस फ्लोर पर वही ब्लू स्टोन लॉकेट वाला शख्स भी नाच रहा है। ऐसे में रोहन उसकी ओर जाने लगा, लेकिन किंजल ने रोहन को देख लिया। उसे लगा कि रोहन ने उसकी ड्रिंक वाली बात इग्नोर कर दी, इसलिए वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे में नशे की हालत में वो भी रोहन के पीछे पीछे चल दी। उधर डांस फ्लोर पर नाच रहे ब्लू स्टोन लॉकेट वाले बंदे ने अभी तक रोहन को देखा नहीं था। वो इस बात से अनजान था कि रोहन उसकी ओर बढ़ रहा है। रोहन भी इस बात का फायदा उठाकर बड़ी चालाकी से और चोरी छुपे उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहन उस शख्स को पकड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे रोक लिया। जब रोहन पलटा तो उसने देखा कि ये किंजल थी, जो नशे में चूर थी और रोहन को गुस्से से घूर कर देख रही थी। How dare you? मैंने तुम्हें ड्रिंक लाने को कहा और तुम मुझे इग्नोर करके चल दिए। कोई किंजल कपूर को इग्नोर नहीं करता, और तुम 2 कौड़ी के आदमी, तुमने मुझे। किंजल आगे कुछ कहती कि तभी उसने ढेर सारी उल्टी कर दी और फिर वहीं नशे में बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर ये हंगामा देखकर डांस फ्लोर पर नाच रहे ब्लू स्टोन लॉकेट वाले उस शख्स की नजर रोहन पर पड़ी और वो वहां से भाग निकला। रोहन उसका पीछा करने जाने ही वाला था कि तभी मैनेजर योगेश वहां आ गया और रोहन को फटकार लगाते हुए बोला, रोहन क्या कर रहे हो यहां? फिर उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी किंजल पर पड़ी। अब क्या कर दिया तुमने? योगेश ने हैरान होकर रोहन से पूछा। इस पर रोहन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मिस किंजल ने ज्यादा पी ली थी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो गिर गई और तुमने उन्हें उठाया तक नहीं? इतना कहकर योगेश किंजल को उठाने लगा। वहीं रोहन का मन अभी भी उस ब्लू स्टोन लॉकेट वाले शख्स में लगा हुआ था। अब खड़े खड़े उधर क्या देख रहे हो? आओ मिस किंजल को उठाने में मेरी मदद करो, योगेश रोहन को फटकार लगाते हुए बोला। इस पर रोहन मिस किंजल को उठाने में योगेश की मदद करने लगा। फिर दोनों किंजल को एक प्राइवेट कैबिन में ले गए। मिस किंजल, आप ठीक तो हैं? योगेश ने किंजल के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए पूछा। कौन? अभी नहीं मम्मी, अभी मुझे और सोने दो। आधी बेहोश पड़ी किंजल नशे की हालत में बड़बड़ाई। लगता है ये बहुत ज्यादा नशे में है, कार ड्राइव नहीं कर पाएंगी, हमें ही इन्हें घर पहुंचाना होगा, योगेश बोला और फिर रोहन की ओर देखने लगा। क्या, मैं नहीं ले जा रहा इन्हें? रोहन नर्वस होकर बोला। दरअसल रोहन को इस बात का डर था कि यदि किंजल रास्ते में होश में आ गई तो वो फिर से रोहन पर गुस्सा निकालेगी और रोहन उनसे पहले से बिगड़े रिलेशन को और बद से बदतर करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। देखो आज क्लब में रश ज्यादा है, सारा स्टाफ बिजी है और वैसे भी ये सारी मैस तुमने ही क्रिएट की है, तो इसे साफ भी तुम ही करो।